हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे और सूजी से बहुत ही टेस्टी चटपटा नाश्ता। खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है तो आप इस नए तरीके के नाश्ते को जरूर घर पर एक बार ट्राई करें। सुबह शाम कभी भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता है। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और इसे जरूर घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम गैस पर बर्तन में 1.5 कप पानी लेंगे। 1/4 चम्मच इसमें हम अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छी होती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है इससे। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया। पानी में हम एक उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है, गैस के फ्लेम को हम लो पे कर देंगे। 1/2 कप इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। ये सूजी हमारे बारीक है, अगर आपके सूजी मोटी है तो 2 चम्मच पानी ज्यादा ले सकते हैं आप। 1/2 कप ये हमने गेहूं का आटा लिया है, तो दोनों चीजों की क्वांटिटी हमने सेम कप से ली है और पानी की क्वांटिटी भी हमने सेम कप से ली है। तो सभी चीजों की क्वांटिटी आपको सेम बर्तन या कप से ही लेनी है। इसे हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसे हमें पकाना नहीं है, और इसे ढक देंगे। गैस बंद करने के बाद ढककर इसे हम 5 मिनट इसी तरीके से रखेंगे ढककर। तो ये मिक्सचर को 5 मिनट हमने ढककर रखा था, उसके बाद इसे हमने प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। तो ये मिक्सचर हमारा हल्का गर्म ही है, इसे गर्म होने जब होगा तभी हमें इसे मसलना है। तो इसे हम हाथों से मसलेंगे। हमने कुछ सेकंड मसल लिया है अच्छे से, डो की तरह तैयार हो गया है ये। तो हमने हाथों में तेल लगाकर हाथों को चिकना कर लिया है। थोड़ा सा हम डो लेंगे और इस तरीके से छोटा सा गोला बना के इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे, देख सकते हैं। इसी तरीके से रेडी करने हैं। तो ये सारे हमने बना लिए हैं। ये हमने एक छन्नी ली है जिसमें ऑयल लगा लिया है, तो किक करके इनको रखेंगे इसमें। तो इसे हमने छन्नी में रख लिया है। तो गैस पर बर्तन में हमने 2 ग्लास पानी को गर्म कर लिया है, तो छन्नी को इसके ऊपर रखेंगे हम और इसे ढक देंगे। और हाई फ्लेम पर इसे हमें 10 मिनट स्टीम करना है। तो 10 मिनट हमने इसे स्टीम कर लिया है, देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम गैस पर बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, आप घी भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। 1/4 चम्मच इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। जीरा थोड़ा लाल होने पर, एक प्याज ये हमने लिए है बारीक कट के लिए, वो हम इसमें ऐड करेंगे। एक कट के हुए हरी मिर्च, तो प्याज को हमें थोड़ी देर इसमें फ्राई करना है, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे प्याज को हम। प्याज को हमने थोड़ा फ्राई कर लिया है, प्याज हमारे हल्के सॉफ्ट होने तक ही हमने इसे फ्राई किया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तीखा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम से कर सकते हैं, जिस हिसाब से खाना पसंद करते हो। और बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो थोड़ा तीखा कम ही बनाए। 2 टमाटर की हमने प्योरी बनाई है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा इसमें, नमक ध्यान से डालना है कि जो हमारे पहले से हमने जो बॉल्स हमारे स्टीम किए हैं उसमें भी हमने नमक ऐड किया है, तो नमक बिल्कुल ध्यान से डालेंगे। तो इसे हम भुनने देंगे मसाले को लो मीडियम फ्लेम पर। तो ये मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी इसमें सेपरेट हो गया है। ये 1 चम्मच अब इसमें हम शेजवान सॉस ऐड करेंगे। तो देखिए चटपटा नाश्ता बना रहे हैं इसलिए इसमें हम 1 चम्मच शेजवान सॉस ऐड कर रहे हैं। और आपके पास जो भी सॉस अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप टमाटो केचप डालना चाहे तो टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम 2-3 चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे। अब जो हमारे स्टीम बॉल्स है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, और इसे मिक्स कर लेंगे।
तो बिल्कुल नए तरीके का ये नाश्ता है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। आपने पहले कभी नहीं खाया होगा इस तरीके का नाश्ता, जरूर से घर पर एक बार ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि खाने में। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे हम ढक देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट कुक कर लेंगे। तो 2 मिनट हमने इसे कुक कर लिया है, तो मसाला बॉल्स में बिल्कुल अच्छे से लग चुका है, देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम मसालेदार चटपटा। तो लास्ट में हम इसके ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, 1/2 नींबू का जूस, थोड़ा सा फ्रेश धनिया, और ये हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा मसालेदार नाश्ता रेडी हो चुका है। तो गैस हम ऑफ कर देंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा सूजी और आटे का बहुत ही टेस्टी चटपटा नाश्ता सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे हल्की फुल्की भूख में बना के खा सकते हैं। अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो आप इस नए तरीके के नाश्ते को जरूर घर पर एक बार ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने प्यारे से कमेंट हमें भेज सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।